हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वसाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله आज हम इस वक्त जो है पीर रूहा जो बदर के करीब है मदीना मुनव्वरा से 70 किलोमीटर फासले पर हम यहां मौजूद हैं। ये वो पीर रूहा है जो आपके सामने है और अल्लाह ने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम इस पीर रूहा पर आए। और ये वो कुआं है जिसके बारे में मौलवी ने लिखा कि 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ आकर इसका पानी पिया और यहाँ दुआ की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज पे तशरीफ लेकर गए और बिलखसूस जब बदर के मार्के में आए तो आप अलैहिस्सलाम के सहाबा के पास पानी की बड़ी किल्लत थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने गुजारिश की, या रसूलल्लाह पानी मुयस्सर नहीं आ रहा। और एक रवायत में आता है, मुअर्रखीन लिखते हैं कि इस कुएं पर जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इसका पानी मीठा नहीं था बल्कि तुर्श था। तो सहाबा ने शिकायत की, या रसूलल्लाह इसका पानी जो है मीठा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन वो इसके अंदर जब शामिल किया, इस पानी में फेंका, तो ये पानी शीरी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पानी मीठा है, बड़ा शिफा वाला है, बल्कि बहुत सी बीमारियों पर शिफा है। अब इसको जो है बाकायदा तौर पे दुनिया ने तस्लीम किया कि इस पानी को बड़ी शिफा वाले पानी की अहमियत हासिल है। बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, ख़ास तौर पर गुर्दों की जो बीमारियाँ हैं या हार्ट की बीमारियां हैं या कैंसर की बीमारी है, कैंसर के इतने मरीज यहाँ ठीक हुए कि बहुत से कैंसर के मरीजों ने इस पानी को पिया और लगातार पिया, चंद दिनों में अल्लाह ताला ने कैंसर बॉडी से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और बहुत से लोग मुझे खुद मिले जो यहाँ सऊदी अरब में थे और ख़ास तौर पे यहाँ के रहने वाले मकामी लोग और बाहर के कंट्रीज़ के भी, और मैंने खुद उनसे जब इस चीज़ का पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमाई और ये पानी शिफा वाला है। इस कुएं के पानी को अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई है, इसलिए जब भी आपको सऊदी अरब में आना हो तो पीर रूहा जो मदीना मुनव्वरा से 70-80 किलोमीटर के फासले पर है, यहाँ आएँ, इस पानी को पिएँ, इस्तेमाल करें, अपने मरीजों को पिलाएं, इस पानी में मजीद पानी इस्तेमाल करें जैसे जमजम में और पानी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर उसके साथ आपने ये आयत करीमा وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ इसको आप जो है ना 31 बार दम कर लें तो वो और ज़्यादा शिफा वाला हो जाएगा। وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ।